हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेली मेडिकल एजुकेशन। सो गाइस, आज एक बहुत ही प्यारी सीनरी ढूंढ के लाए हैं हम आपके सामने और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। टेली टॉक में हमने जो प्लान किया था वैसे ही कि हम डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंट थीमेटिक प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, थीमेटिक टॉपिक्स लेके आएंगे जो प्रोडक्टिव टॉपिक्स होंगे, एक्सेप्ट स्टडीज, एजुकेशन के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो टेली टॉक में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक में मैं नहीं बोलने जा रहा, वो आप लोग बोलेंगे, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन ये है जी, जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है यार? जो जिंदगी है ना वो बहुत ही हसीन है। जिंदगी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की देन है ऑब्वियसली। हमें शुक्र अदा करना चाहिए खुदा ने जिंदगी में कितनी नेमतें दी हुई हैं, कितनी ब्यूटी दी है। मुझे देख लो, एक इंसान को देख लो, इंसान कितनी बड़ी नेमत है जो जिंदगानी दी हुई है हमें। पलक झपकने में पता नहीं चलता, ये पत्ता हिल रहा ना, पत्ता हिलने में इंसान का पत्ता काट सकता है। लेकिन खुदा ने अल्हम्दुलिल्लाह, देखो रोज़ाना सूरज निकलता है, सूरज डूब जाता है, चाँद निकलता है, चाँद भी डूब जाता है। कभी चांदनी, कभी सूरज की रोशनी, कभी गर्मी, तपश, सर्दियाँ, मौसम, सारे किस लिए बनाए गए हैं? हमारी ज़िंदगी को। ये परिंद चिरिंद सारी खूबसूरती, पानी, दरिया, पहाड़, ग्रीनरी, सब्जा, सारा किस लिए है? ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए और इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए। इंसान को ही देख लो यार, कितना खूबसूरत बनाया है खुदा, ठीक है। खुदा का बयान भी है कुरान पाक में माशाल्लाह से, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, ठीक है। सो ज़िंदगी का मेन फलसफा भी यही है कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िंदगानी में हमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना ज़्यादा हम शुक्र अदा करेंगे हमें उतना ज़्यादा मिलेगा, और जितने बड़े ख्वाब होंगे उतने ही ज़्यादा ख्वाब पूरे होंगे, ठीक है। खुदा कहता है, खुदा ही यार ज़िंदगी का खुलासा है सारा, हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा खुलासा ही दीन है, इस्लाम है। इस्लाम बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। सारी ज़िंदगानी हम लगा देना तो शायद हम फिर भी खुदा की नेमतों का शुक्रिया ना अदा कर सकें, शुक्र ना अदा कर सकें। सो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ही हसीन है, ठीक है, और खुदा की देन है ऑब्वियसली। सो हमें इसे यूटिलाइज़ करना चाहिए अच्छे वे, लोगों की भलाई में, खिदमत खल्क में, इंसानियत की फलाह में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इधर उधर दूसरे काम में, नेगेटिविटीज़ में, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए मुश्किलात नहीं, नेवर क्रिएट हर्डल्स, बल्कि प्रोडक्टिविटी पैदा करो, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करो। तो यार ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं, सिंपल अल्फाज में यार मैंने बिल्कुल बताया है आप लोगों को, ठीक है। सो लेट्स इन्जॉय द सीनरी, जिंदगी।